ऐसे भी दिन आए हैं कि लोग पास से गुजर जाते हैं लेकिन स्टॉल में आते नहीं, डोजेस भी देते हैं कि लड़की लोग खोलें। अभी लड़की लोगों के ऊपर बिकता क्या है, वो लोग कभी आके देखें? बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर भी हम दोनों मिलके सब कुछ कर रहे हैं, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए कि हम लोग को मदद करो। दोस्तों, आज इन दो छोटी सी बच्चियों की हिम्मत देख के उन सारे लोगों के टूटे हुए हौसलों को पर मिलने वाले हैं जिन्होंने अपने जिंदगी में चुनौतियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। आप सबसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर इन दो बच्चियों की जिंदगी बदल सकती है। मेरा नाम रश्मिता बेहरा है, मैं 24 साल की हूँ, राल किला में रहती हूँ। घर की स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं थी तो मैं सोची कुछ जॉब करके घर को मतलब सपोर्ट कर सकूँ। फिर मैंने सिलाई करने गई लेकिन सिलाई में उतना पैसा निकला नहीं। इसी दौरान मेरा बहुत अच्छी एक फ्रेंड मिल गई। हाय, मेरा नाम राजेश्वरी है और मेरा उम्र 24 साल है। मैं भी राउरकेला से ही हूँ, तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैर में खड़ा होना चाहती हूँ ताकि मम्मी पापा को थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊँ। इसी दौरान मैं काम खोजने बाहर निकली, सिलाई का काम मेरे को मिला था तो वहीं पे मेरे को रश्मिता मिली। फिर हम दोनों मतलब अच्छे फ्रेंड बन गए। फिर हम दोनों मिलके सिलाई दुकान में काम करने लगे। वहाँ पे उतना पैसा होता नहीं था, जो भी पैसा आता था सब इधर उधर खर्चा जाता था, तो हम लोग सोचे कि अपना कुछ करेंगे। फिर वहाँ से फिर लोन लिए तो उतना लोन मिला नहीं, बस 20-30 हज़ार ही मिला, तो उसमें कुछ हो नहीं पाता। तो मार्केट रिसर्च के इधर उधर देखे, फिर सोचे कि खाने पीने का एक छोटा सा स्टॉल खोलेंगे। फिर वहीं से हम लोग स्टॉल लगाना शुरू किए। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि एक बेटा ही अपने परिवार को रोजगार करके सपोर्ट कर सकता है, पर आज इन बेटियों ने समाज में चल रही इस गलत फहमी को दूर कर दिया। लड़कियां आज किसी भी चीज में लड़कों से पीछे नहीं है, उसका एक एग्जांपल हमारे सामने है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर भी हम दोनों मिलके सब कुछ कर रहे हैं, कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए कि हम लोग को मदद करो। हमने स्टॉल खोल तो लिया और इतना रिस्क लेके, और चैलेंज ये था कि अब चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे भी दिन आए हैं कि लोग पास से गुजर जाते हैं लेकिन स्टॉल में आते नहीं, डोजेस भी देते हैं कि लड़की लोग खोलें। अभी लड़की लोगों के ऊपर बिकता क्या है, वो लोग कभी आके देखें? कभी आके देखें कि लड़की लोगों पे बिकता क्या है, वहाँ पे खड़े होना, फेस करना, वो फील एक बार करके देखें कैसे फील आता है, अपने ही समझ जाएंगे। राउरकेला से हम लोग को इतना ही बोलना है कि हम लोग का स्टॉल में आए, हम लोग का जो आइटम है जैसे कि दावेली, वड़ा पाव और पाव भाजी, सैंडविच, थोड़ा सा टेस्ट करे, अच्छा लगता है तो भी बताए, और अच्छा नहीं लगता है तो भी बताए, हम लोग उसको अच्छा करने का कोशिश करेंगे। बस आशा है कि एक बार आप लोग आके टेस्ट करके जाएं। अगर आप लोग का प्यार हम दोनों को मिला तो हम लोग साबित कर देंगे कि जो लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ, इतनी छोटी छोटी लड़कियाँ इतना कम उम्र में कुछ नहीं कर पाएगी, वो लोग को हम लोग गला साबित करके दिखा देंगे। इन दो लड़कियों की जो कहानी है ना, हमको रियली बहुत बहुत इमोशनल फील हुआ, और आज के ज़माने में लड़कियां अगर ऐसे आगे बढ़ रही है तो हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इनके जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, इवन मैं हमेशा सोच कर ही ना दिमाग में ना एक चीज़ को रख के रह जाते हैं हमेशा के लिए, बट ये दो लड़कियां ना आगे बढ़कर ना उनके प्लान, उनके बिजनेस को ना उन्होंने मतलब एग्जीक्यूट किया, दुनिया से ना डर के, लाइक दुनिया क्या बोलेगी क्या सोचेगी, और आज दोनों यहाँ पर आकर खड़े हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप उदित नगर की तरफ से आ रहे होगे तो आप ये देखोगे लाल बिल्डिंग, लाल
लाल बिल्डिंग चौक सुरुचि बेकरी, सुरुचि बेकरी के ठीक ऑपोजिट में एक SBI का ATM आपको मिल जाएगा और यही चौक के ऊपर ये दो दोस्त आपको पाव भाजी दाबेली वड़ा पाव बेचते हुए नजर आ जाएंगे। तो हमें वापस आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आपने जितना सारा प्यार इतने वीडियो को आपने दिखाया है आज तक, वो आप यहाँ पे भी दिखाओगे मुझे उम्मीद है। जो कोई भी राउरकेला में है वो प्लीज़ 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 ये दोनों के पास में आइए और ये जो दबेली वड़ा पाव पाव भाजी पक्का ट्राई करिए, प्लीज़ वो दोनों को सपोर्ट करिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। दोस्तों लोगों की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है।